नमस्कार, मैं अमित कश्यप और आप देख रहे हैं हंगामा टाइम्स। महाशिवरात्रि के पावन पर्व की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। तो वहीं आपको बता दें, उत्तर प्रदेश की राजधानी से एक खबर सामने आ रही है जो महाशिवरात्रि की पूर्व संध्या पर त्रिवेणी नगर स्थित सामाजिक संस्था पहल एजुकेशनल एंड हेल्पिंग हैंड सोसाइटी द्वारा महाशिवरात्रि उत्सव का बड़े ही धूमधाम से आयोजन किया गया। तो वहीं छोटे बच्चों के नृत्य ने सबका मन मोह लिया और यशा रावत वर्मा ने सबका आभार व्यक्त किया और भगवान शिव और पार्वती माता की पूजा अर्चना की। आइए डालते हैं एक खबर पर नजर, उत्तर प्रदेश की राजधानी महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर। एजुकेशनल एंड हेल्पिंग हैंड्स ने महाशिवरात्रि का पर्व अनोखे अंदाज में मनाया। आपको बता दें, महाशिवरात्रि की पूर्व संध्या पर त्रिवेणी नगर स्थित सामाजिक संस्था पहल एजुकेशनल एंड हेल्पिंग हैंड्स सोसाइटी द्वारा महाशिवरात्रि उत्सव का आयोजन किया गया। संस्था की चेयरपर्सन यशा रावत वर्मा के साथ कोषाध्यक्ष मनीष वर्मा, उप सचिव सविता गौतम, मीडिया प्रभारी संदीप राजपूत, सदस्य रोशनी गौतम भी सम्मिलित हुए। विशिष्ट सदस्य के रूप में गायत्री देवी और प्रियंका रावत मौजूद रहीं। संस्था की चेयरपर्सन यशा रावत वर्मा ने महाशिवरात्रि पर्व के महत्व पर प्रकाश डालते हुए इस पर्व को शिव पार्वती विवाह के रूप में मनाया जाता है बताया। यह छोटे छोटे बच्चों के साथ अपने विचार साझा करते हुए सबको उपहार, फलों, प्रसाद, प्रशस्ति पत्र देकर इस कार्यक्रम को आयोजित किया। छोटे छोटे बच्चों के नृत्य ने सबका मन मोह लिया। कार्यक्रम का शुभारंभ 4 वर्षीय शिवी वर्मा के तांडव के साथ हुआ। फिर क्रमानुसार महक, काजल, लक्ष्मी, रिया, आदित्य, यश, रागनी, शालिनी, नित्या ने कार्यक्रम में शिरकत कर कार्यक्रम को सफल बनाया। यशा रावत वर्मा ने सबको आभार जताया और भगवान शिव और पार्वती माता की पूजा अर्चना की। हंगामा टाइम्स ब्यूरो।